नमस्कार, प्रस्तुत है पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का जीवन परिचय और संगीत जगत में उनका योगदान। ग्वालियर घराने के ख्याति लब्ध संगीतज्ञ पंडित शंकर राव पंडित के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 26 जुलाई 1893 ईस्वी को पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का जन्म ग्वालियर में हुआ। बाल्यावस्था से ही आपकी संगीत में बहुत रुचि थी, अतः आपके पिता 6 वर्ष की उम्र से ही आपको संगीत की शिक्षा देने लगे। अपने पिता से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने ग्वालियर घराने के उस्ताद निसार हुसैन खां से काफी समय तक संगीत गायन की तालीम ली। निसार हुसैन ने आपको स्नेहपूर्वक संगीत का उच्च ज्ञान दिया। बाल्यावस्था से ही आप अपने पिता के साथ संगीत महफिलों में जाते थे और उनके साथ साथ गाने के बीच में उनका साथ अपने गायन से दिया करते थे। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था से ही आपको रंगमंच पर गायन का अनुभव होने लगा। उत्तर भारत का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शंकर पंडित का गायन न हुआ हो और उनके साथ उनके होनहार पुत्र कृष्ण राव शंकर पंडित न गए हों। बाद में उन्हीं सब स्थानों पर कृष्ण राव ने स्वयं अपना सफल संगीत कार्यक्रम देकर अपने पिता और गुरु का सुयोग्य शिष्य और पुत्र होना सिद्ध किया। सन 1940 ईस्वी से आप आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से अपने गायन का कार्यक्रम प्रसारित करने लगे। पंडित जी की गायन शैली संगीत जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। आपकी गायन शैली कलाकारों, संगीत प्रेमियों तथा संगीत के विद्यार्थियों के लिए होती थी। राग और लय पर आपका अधिकार आपकी गायन शैली में स्पष्ट दिखाई देती थी। राग की शुद्धता पर आप विशेष बल देते थे। खुली और वजनदार आवाज ग्वालियर घराने की विशेषता रही है, जिसे आपने पूरे मन से अपनाया और साधा। जटिल से जटिल हरकतों और तानों को बड़ी तैयारी से तीनों सप्तकों में आप गा जाते थे। छोटे ख्याल के बाद तराना अथवा भजन गाना आप अधिक पसंद करते थे। कभी कभी ठुमरी भी गाया करते थे। 5 वर्षों तक आप ग्वालियर दरबार में दरबारी गायक के रूप में नियुक्त रहे। 1 वर्ष तक महाराज सतारा के संगीत शिक्षक भी आप रहे हैं। यह बंधन आपके स्वभाव के अनुकूल न था, अतः उस पद को आपने छोड़ दिया। गायन के अलावा अन्य सहायक वाद्यों का भी आपको ज्ञान प्राप्त था। आपने गायन, सितार, तबला तथा जल तरंग पर पुस्तकें भी लिखी हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप, संचारी आदि। ग्वालियर में आपने एक अच्छे संगीत विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की और बसंत पंचमी 31 जनवरी 1914 ईस्वी में गांधर्व महाविद्यालय नामक संगीत संस्था की आपने स्थापना की। बाद में पिताजी के निधन के पश्चात सन 1918 ईस्वी में इस विद्यालय का नाम शंकर गांधर्व महाविद्यालय रख दिया गया। इस संस्था का कार्यभार आप स्वयं संभालते थे। निर्धन व्यक्तियों की आप अपने जेब से सहायता भी करते थे। इस विद्यालय से आपने लिया कुछ नहीं, वरन अपना सब कुछ दिया। सन 1964 ईस्वी में इसकी रजत जयंती और अपने पिता शंकर पंडित का शताब्दी समारोह आपने धूमधाम से मनाया, जिसमें देश के प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया। पंडित जी को जीवन भर मान सम्मान प्राप्त होते रहे हैं। सन 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस अहमदाबाद द्वारा गायक शिरोमणि, 1923 ईस्वी में हरिवल्लभ संगीत सभा जालंधर द्वारा संगीत विशारद, 1935 ईस्वी में राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ स्टेट द्वारा संगीत सम्राट, सन 1959 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संगीत नाटक अकादमी की ओर से आपको सम्मानित किया। सन 1961 ईस्वी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधि प्रदान की गई और भारत सरकार द्वारा सन 1973 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी अन्य बहुत से मान सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। जीवन के अंतिम दिनों तक ग्वालियर में रहते हुए आप संगीत की सच्ची सेवा करते रहे और थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद
96 वर्ष की उम्र में 22 अगस्त 1989 को जीवन की अंतिम सांस ली। आपने अपने पुत्रों व अनेक शिष्यों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है जो आपकी परंपरा को गतिशील बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये जो आप महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी देख रहे हैं, ये गायन सिद्धांत नामक पुस्तक से लिया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।